जनता पार्टी लगातार बड़ी हो रही है और इसका पूरा श्रेय यदि जाता है तो जनता दल यूनाइटेड और राजद को जाता है। 2024 और 25 में भाजपा की कमल को खिलाना है, तभी बिहार आरक्षण महिलाओं का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण युवा का आरक्षण है, और भाजपा का आरक्षण का मतलब गरीब का आरक्षण है। लेकिन उनका आरक्षण का मतलब क्या है? लालू प्रसाद जी कहते हैं मेरा आरक्षण किसको मिलेगा? श्रीमती राजे, मेरी पत्नी अब छोड़ दो, अब मेरे बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ, और तीसरा जब उनकी बेटी चुनाव लोकसभा हार गई तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी को भी राज्यसभा में जाना है, तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ विष्णु भी होंगे, मोहन भी होंगे और भजन करना भी होगा। यही नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, ये तो पलटी मार मार के ना सत्ता में। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान जेडीयू और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार लोगों का भाजपा के साथ जुड़ना ये बतलाता है कि उन लोगों पे से विश्वास जो है उठ चुका है। ये पूरा श्रेय जेडीयू और आरजेडी को, आरजेडी के लोगों को जाता है। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कहा। पार्टी लगातार बड़ी हो रही है और इसका पूरा श्रेय यदि जाता है तो जनता दल यूनाइटेड और राजद को जाता है। वहां से विश्वास उठ गया, अब वहां विश्वास नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने इतना छला है। 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथी। अब दोनों पर से विश्वास उठ गया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि 2024 का चुनाव आए तो 40 की 40 सीट जीतकर दोनों को हराने का काम, एक को नहीं दोनों को। और बड़ा स्पष्ट है, देखिए भाजपा सबको सहयोग करते रही। नीतीश जी का राजनीतिक हैसियत 1995 में मात्र 6 सीट वाले विधायक की थी, तब भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, रेल मंत्री बनाया। उसके पहले लालू प्रसाद जी को भी अपने 39 विधायकों का समर्थन देकर बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया। उसके पहले गुदरी के लाल कपूरी ठाकुर जी को भी, सरदेव कपूरी ठाकुर जी को भी दो बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथ भाजपा सबका सहयोग करती है। अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, दो दो पिछड़ा के बड़े नेता को गद्दी पर बैठा, लेकिन दोनों भाजपा के नहीं हुए। आज आपकी ताकत आई है, हम पूर्ण भरोसा देते हैं कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार और 25 में भाजपा की सरकार बनाने का काम कीजिए। क्योंकि दूसरे लोग आपको यह समझाते होंगे कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। आप समझिए, 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। यहां पर मुन्ना लाल पासवान जी हैं। 2001 का चुनाव जब जिला परिषद पंचायती राज का हुआ, तब ना किसी दलित समाज को भी कोई आरक्षण नहीं था और वो लालू जी का राज था। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना अति पिछड़े को आरक्षण था, ना दलित को आरक्षण था, किसी वर्ग को आरक्षण नहीं था। और 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी ने कभी बिहार के लोगों को आरक्षण नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे। साथियों, वो सिर्फ बोलने वाले नेता हैं, बोलते रहते हैं, जिसने बनाया उसी के खिलाफ बोलते रहते, इसलिए बोलने वाले को बोलने दीजिए। लेकिन 2024 और 25 में भाजपा की कमल को खिलाना है, तभी बिहार नया बिहार बन पाएगा। क्योंकि सामने वाले का आरक्षण फिक्स है, भाजपा का आरक्षण गरीबों का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण महिलाओं का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण युवा का आरक्षण है, और भाजपा का आरक्षण का मतलब गरीब का आरक्षण है। लेकिन उनका आरक्षण का मतलब क्या है? लालू प्रसाद जी कहते हैं मेरा आरक्षण किसको मिलेगा? श्रीमती राबड़ी देवी को मिलेगा, इनको मुख्यमंत्री बना। फिर कहा
मेरी पत्नी अब छोड़ दो, अब मेरे बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ, और तीसरा जब उनकी बेटी चुनाव लोकसभा हार गई तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी को भी राज्यसभा भेजाओ, एमपी बनाओ, यही है आरक्षण। ये फर्क है साथियों, हमारे यहाँ मोहन यादव भी हो सकते हैं, भजन लाल शर्मा भी हो सकते हैं, और हमारे यहाँ विष्णु सोई भी हो सकते हैं। आप सोचिए, भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है, यहाँ विष्णु भी होंगे, मोहन भी होंगे, और भजन करना भी होगा, यही भाजपा। दूसरे जगह पर अपनी चिंता सबको है। आज तक नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, ये तो पलटी मार मार के ना सत्ता में रहे भाइयों, इनका नाम रख दिया पलटू कुमार, यही है ना। लेकिन हम लोग तो भाई उनको आग्रह करते रहते हैं कि अब गार्जियन हो गए, 18 साल मुख्यमंत्री रह लिया, 9 साल तक भाजपा के साथ रहे, तब तक तो विकास हुआ। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक और फिर 17 से लेकर 22 तक बिहार में काम चल रहा है। लेकिन ये जो 9 साल दूसरे के साथ गए, ये 9 साल लूटने का काम कर, क्या हो रहा है, महिलाओं को देखते हैं नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमने तो शराब बंद कर दिया। अब इतिहास को देखिए, 2005 में बिहार में 987 शराब की दुकानें थी साथियों, और 2016 में जब उन्होंने शराब बंदी किया वो बढ़कर 11,000 हो गई। इसका मतलब है हम बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया, 11 गुना शराबी नीतीश कुमार जी ने बनाया। तो आपने सुना सम्राट चौधरी सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी लोग भाजपा से जुड़ते हैं ये सारा श्रेय आरजेडी और जेडीयू के लोगों को जाता है, क्योंकि सारे लोगों का विश्वास जो है जेडीयू और आरजेडी से उठ चुका है, और इन लोगों को पता है कि एक ही पार्टी है जो सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, और वो है भाजपा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।